मुश्किल है। अब जाओगे घर कितने महीने से हो? अभी तो 16 महीना हो गया और 7-8 महीना बाकी है, इधर कुछ देर बाद में चला जाएगा। तो दूसरा कंपनी क्यों नहीं देखते? दूसरा कंपनी, ये तो सप्लाई में काम नहीं करेगा। ये बांग्लादेश का है लेकिन हैंडसम बनता है, ये कुछ कर पाएगा आगे, कुछ करेगा जरूर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नईम अहमद। बांग्लादेश कहाँ से हो? बांग्लादेश सिलेट। अच्छा, वो राज्य है या नहीं? ये जो इंडिया का बॉर्डर का पास है। ओह, इंडिया गए हो कभी? हाँ, इंडिया भी गया है, कोलकाता है ना, कोलकाता में गया। अच्छा अच्छा, फिर आ जाओ इंडिया फिर से वापस घूमने के लिए। आ जाओ इंडिया, अच्छा कमाई। चलो फिर, शुक्रिया। ये डाल दो यूट्यूब में, मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम यूट्यूबर है? हाँ। चलो मिलते हैं फिर से। कल 4 बजे से गैरेज में बैठा और नया टायर चेंज हो गया। अरे भाई, भाई इसको क्या हो गया बे? ये तो बहुत जाम चल रहा है भाई, देखो ये तो बहुत जाम है यार, कुछ करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ख़त्म हो गया, ख़त्म। ये बहुत जाम है, बहुत जाम है, तुझे मैं इतना तेज़ भगाऊंगा कि सही हो जाएगा। ये मेरा लोन, पर्सनल लोन, और लोन पे एग्रीमेंट करवा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, पहचानते हैं आप? डॉक्टर साहब हमें मिल गया, डॉक्टर साहब जो आए थे बाइक डिलीवरी के लिए, आज वो कर रहे हैं वहाँ पे कंप्यूटर के काम। भाई कंप्यूटर ऑपरेटर काम, बहुत बड़ा बंदा है, टैलेंट बंदा है। तो उन्होंने ये बताया कि आपका लेबर कार्ड 10 तारीख तक ख़त्म होने वाला है, 10 तारीख से पहले आपको लेबर कार्ड रिन्यूअल करना होगा अगर इसमें वीसा लेना है तो। तो फिर मैंने कुदरत के करिश्मा, कुछ देर पहले इतना ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा था कि मैं पानी पानी हो गया। अब देखो अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि बाहर का टेम्परेचर कि अब तो गर्मी के मारे उफ उफ कर रहे, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, अब इतना ज़्यादा धूप, क्या बताए, कुदरत का करिश्मा यही है। और एक मैं छोटा सा क्लिप रखने जा रहा हूँ, एक बंगाली दोस्त मुझे मिल गया फ्लाइट में और उसने कुछ बताया है, बोला है अपनी पेंटिंग काम के लिए जो बंदा आने के लिए सोच रहा है। तो ये देखो बाहर का वेदर। ये भाई बांग्लादेश से है और यहाँ पर पेंटिंग का काम कर रहा है। और एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि पेंटिंग का काम कैसा होता है, इनकम क्या होता है। तो ये भाई खुद बताएगा। भाई बताओ बांग्लादेश कहाँ से हो? भाई बांग्लादेश सिलेट से है, सिलेट का नहीं करते। हिंदी में बात करो ना यार। जैसे ये तो हिंदी बोल, सिलेट तो है, ये तो सिलेट ही होता है, ये हिंदी और इंग्लिश बांग्ला सेम होता है। सिलेट से आया है साला, बांग्लादेश से आया है, 2,50,000 लगा के आया। बोला है मतलब जो अरबाब सलम, बोला है 1600-1700 मिलेगा, 10 घंटा टाइम दिया, 2 घंटा प्लस ऑफ टाइम मिलेगा आपको, 1600-1700 आ जाएगा। अभी महीना में 900 मिलता है, और जी को देखाना कर सके, 500 रुपया रहता है, बचता है 200-300 रुपया महीना में, 2000 बचता है, कभी कभी नहीं बचता है, ऐसा दिक्कत है। कोई फिल्टर में नहीं आओ, कोई अच्छा कंपनी में मिले तो आओ, सप्लाई में नहीं आओ, बहुत दुबई में तो पूरा सप्लाई चल रहा है सारा। हाँ, ये पूरा सप्लाई है, सप्लाई में ना खाने के लिए अच्छा है, ना सोने के लिए अच्छा है, ना पैसा अच्छा है, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल है। अब जाओगे घर कितने महीने से हो? अभी तो 16 महीना हो गया और 7-8 महीना बाकी है, इधर कुछ देर बाद में चला जाएगा। तो दूसरा कंपनी क्यों नहीं देखते? दूसरा कंपनी, ये तो सप्लाई में काम नहीं करे। ये बांग्लादेश का है लेकिन हैंडसम बनता है, ये कुछ कर पाएगा आगे, कुछ करेगा जरूर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नईम अहमद। बांग्लादेश कहाँ से हो? बांग्लादेश सिलेट। अच्छा, वो राज्य है या नहीं? ये जो इंडिया का बॉर्डर का पास है। ओह, इंडिया गए हो कभी? हाँ, इंडिया भी गया है, कोलकाता है ना, कोलकाता में गया। अच्छा अच्छा, फिर आ जाओ इंडिया फिर से वापस घूमने के लिए। आ जाओ इंडिया, अच्छा कमाई। चलो फिर, शुक्रिया। ये डाल दो यूट्यूब में, मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम यूट्यूबर है? हाँ। चलो मिलते हैं फिर से। पता नहीं आज मेरे साथ हो क्या गया यार, काम ही नहीं दे रहा है मुझे, तो बिल्कुल काम नहीं दे रहा है। पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं हमसे, तलावाद हो रहे। और सुबह देखो, सुबह बारिश हो रहा था, बारिश और उसी हिसाब से मैं काम कर रहा था और सही से काम भी नहीं हो रहा है आज यार। अभी तक मेरा, अब मेरा ड्यूटी ना 12 घंटा का ड्यूटी था आज, तो ड्यूटी ख़त्म होने वाला है मेरा, 27 मिनट और बाकी रह गया है। तो अभी मोटर सिटी से आया था यहाँ पे टाउन स्क्वायर पे मैंने फूड दे दिया और सोचा कि यहाँ पे ब्लॉग ना यहाँ पे एंड ही कर दूँ फिर काम, क्योंकि है ही नहीं तो फिर भग के फ़ायदा क्या है, ज़्यादा पेट्रोल खर्चा हो रहा है, कभी क्या बोलते हैं, अरे मैंने नीचे जाओ, अरे मैंने नीचे से एक आइसक्रीम, एक इतना सा छोटा सा कप होगा आइसक्रीम, वो आइसक्रीम लेके गया यार मैं 25 किलोमीटर दूर दुबई साउथ मैग 535 बिल्डिंग में, और वहाँ से फिर वापस आने में फिर 24-25 किलोमीटर, फिर वापस मोटर सिटी जैसे आया फिर डोनर कबाब का ऑर्डर मिल गया और वो डोनर कबाब लेके आया हूँ यहीं पे टाउन स्क्वायर पे जहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा मैं ब्लॉग बनाता रहता हूँ। कल वाला वीडियो मैंने यहीं से ब्लॉग बनाया था, इसी वाला एरिया से, जो यूट्यूब का
गियर्स और गियर और उसके बारे में मैं बता रहा था, तो यहीं से ब्लॉग बनाया था और आज यहीं पे ड्यूटी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है अब ऑर्डर आएगा नहीं तो फिर करेंगे क्या, जाके आगे जाऊँगा फिर ऑर्डर देगा कहीं बाई चांस, अगर ऑर्डर भी आ जाए मेरे पास, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 26 मिनट बाकी है, 26 मिनट अगर मैं बाई चांस मोटर सिटी 26 मिनट में पहुँच जाऊँगा, अगर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा फिर अपने को यही 7.5 दिरहम का ऑर्डर मिलेगा, 7.5 दिरहम यानी भगाएगा फिर यहीं पे धमाकेल 2 में, और रात के टाइम धमाकेल 2 में चलना मुश्किल है, थोड़ा ख़तरा है क्योंकि अफ्रीकन लोग यहाँ पे ना आतंकवादी की तरह छुप छुप के बैठे होते यार, लूटपाट कर रहे हैं, जो अपने साथ जो ये जो मोबाइल है कहीं ये ना उठा ले, तो इसलिए रात के टाइम यहाँ पर मैं घूमता नहीं। और अभी ये बिल्ला वाला साइड है तो यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ, तो बैठ के ब्लॉग इन कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने सुबह 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट किया था, सुबह 7:15 बजे से ड्यूटी स्टार्ट किया था, और अभी तक मेरा हो गया एक काम, 9 डिलीवरी बस, और 82 दिरहम कैश ऑर्डर आया था और 2 दिरहम ऑनलाइन टिप्स। तो आज का काम यही रहा, 9 डिलीवरी, 9 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, फिर यहाँ से रूम निकलना होगा, रूम यहाँ से दूर है और घर में इंतज़ार कर रही है दीदी और वाइफ, तो जल्दी जल्दी से मुझे जाना होगा। और बाइक का जो पहिया जाम था वो आज ना वो फ्री हो गया मेरा, सुबह से आज मैं भगा रहा हूँ इतना तेज़ से भगा यार, इतना दूर दूर घूम रहा हूँ तो पहिया तो फ्री होगा ये, क्योंकि वजह ये था ना कि वो लड़के ने कल वो ब्रेक पैड आगे वाला ब्रेक पैड चेंज किया था, और काफ़ी मतलब अच्छा काम करता है वो बंदा, तो आधा काम क्लियर करके निकल चुका हूँ, और देखते हैं फिर क्या होगा मेरे साथ, हो सके तो अच्छा ही होगा, अगर ऑर्डर आ जाए तो फिर निकलना ही पड़ेगा भाई। तो अभी बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, लगता है क्या होगा आज का दिन, सही बोलूँ या ख़राब बोलूँ, घर में जाके बोलूँ क्या यार, बस यही सोचता रहता हूँ, क्योंकि मैं घर पे जाता हूँ ना, वाइफ पूछती है कितना हुआ कमाई आज का, बोलूँगा 9 हुआ, क्या बोल सकते हैं ना। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, शुक्रिया वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।